इसलिए दुई खर्ब तीन खर्ब रुपये घटाक 17 खर्ब में 14 खर्ब घटा ताकि यह वर्ष सब पैसा दिन सको विकास मार्ग में आगे और तो सरकार गई हाल अर्क साथी बेईमान कर मित्रघात कर कति बेईमान रहे 60 दिन भी टिक न सकने भन्न तो अभी फेरी तब उसे गठबंधन को सरकार आयो ढुकुटी रिताइस अब अलग 17 खर्ब बजेट थी ये वर्ष को 17 खर्ब में 13 खर्ब राजस्व उठाने पर्च रही 80 वर्षसम 6 खर्ब मत उठा नेपाल को कर्मचारी तल भत्तो सारा शिक्षक कर्मचारी ये तब को सेना भो के आर्मी भो तब पुलिस भो अ सशस्त्र प्रक्रिया पुलिस भो है अभी ये शिक्षक भो स्वास्थ्य सब कर्मचारी 1 लाख जी करीब कर्मचारी 1 लाख जी करीब सेना झंडे झंडे 80 हजार जी पुलिस 35 हजार जी सशस्त्र प्रहरी बल ये सब सबला तब को तलब खुआने पैसा हमें बर्फ में 6 खर्ब चाहिए तो छेन ढुकुटी में कर्मचारी तलब खुआने पैसा छे विकास मंडल के ठेकेदार ने तब को बेमान कर भाग एवं कुछ हो तरह राम ठेकेदार ने काम कर सकता खेल काम सकते दिन में ठेकेदार भुक्तानी करने पैसा सरकारसम छाइन तेसो भर अभी हम बजेट 17 खर्ब को बजेट होता है 12-13 खर्ब को बजेट होता है नक्कली घाटा बजेट पेश गए बजेट घाटा बजेट पेश कर हमें मांगने बेला में पैसा दिन सकते नया योजना आने के संभावना धेरै कम छ पुराने क्या बहुवर्षीय योजना को निरंतर पैसा जुटाने ये सरकार हमी हमें भाग होना धेरै आशावादी अनुरोध गर्छु तर तपाईको चाहिँ मान्नेहरुले चाहिँ प्रयत्न चाहिँ गर्छ उले सक्दो प्रयत्न गर्छ बहुवर्ष भन्ने प्रयत्न गर्छ हामी चाहिँ गर्छौं त्यति मात्र हैन बाटो पनि बनाइदिनु पर्यो हामीले यो भाँचेदेखि माथि बाटो धेरै चाहिँ अप्ठ्यारो छ धेरै चाहिँ खुट्टामै छ तलसम्म पुरो गुजर चलिरहेको छ त्यसकारण करिब चाहिँ 10 किलोमिटर जति होला यो बाटो 10 किलोमिटर बाटो केही नभए 70 करोड चाहिन्छ सस्तै गर्ने भने पनि तपाईँको चाहिँ तिर प्रश्न 30 करोड चाहिए इस कारण बजेट इंस कह मेस प्रयत्न तो करूँ मो वर्ष में हालना को लगी इसको बाकी काम भी करूर्ने भले गाँव देखिए भुजुंगसम को ग्रेवल मात्र होने पीस होते हैं ये वर्ष ये लट में ग्रेवल मात्र होने इसको पीस को फिर आग से पैसा चाहिए झंडे झंडे द्वितीय ये ग्रेवल सैवल में लगता नाली साली बनाई बाटो खंडी इसे में कस इसी लगत हमें पीच गए एक तीर पैसा भैसे पूछ हमें यह बाकी तब क्या एक नंबर वड़ा 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 सब इस तक फायदा हो इसलिए सघाई रखना यो भी बनाईदि पर्ने मैं तक मुख्यमंत्री हो एक पटक मैं हेरने गए थे सायद 2250 मीटर अग्रो ठाउँ छ भन्थे हम साथी जीत बहादुरजी को हम हम वड़ा अध्यक्ष को हम सब साथी को जाना मैं थोड़े थोड़े हेरे धेरे अप्ठारो हमें कि योजना बनाक अग्लो ठाव में रंगशाला बनाकर ट्रेनिंग सेंटर बनाया खेलकूद में अग्लो ठाव में तालीम लिख मे जहाँ भी गए खेल सकता तर होचो ठावे तालीम लिख मान अग्लो ठाव आए भी खेल सकते स्टामिना होते हैं क्यों कारण के होगी अग्लो ठाव में अक्सिजन कम होता हवा में अक्सिजन कम भएको ठावें खेलने मानी को फोक्सो धेरे चलिए अक्सिजन अभी फोक्सो धेरे कड़ा होता है उसको स्टेमिना धेरे कड़ा होता है इस कारण हमें अलग वहाँ से क्या मेरे पाला में उच्च उचाई खेलकूद तालीम केन्द्र हमें मुस्तांग में मुस्तांग को मुक्ति राखे करीब 500 रुपये जगह लीएर खेल मैदान ट्रेनिंग सेंटर बनाने खोजे करीब 3-4 अरब रुपये को पैसा में त्याँ भाई हमें कहीं खेल जानूँ तैं 1 महीना ट्रेनिंग गये तिहार धीरे बलिओ अलग यह लमजू को सब भाग अरुण ठावक रंगशाला हो खेल मैदान हो तो नंबर लाई मैं बनाने चाहे यहाँ कास्की को आटीगढ़ मौजूद के अर्मला देखिए माथिपट्टी ठाव में लमजू को घनपोखरा में इससे उत्ता गोरखा को चौमुखी मना को हमें तिमांग में योजना धीरे ठावर रोते रोते हमें सेट कर बस हम सरकार गिरे हमें हम काम कर सकेन इस कारण इसको मेरे आँखा तो पड़ेक तब आवश्यकता भी छाइन तेस तब नगर मैं तर अब सब कुछ फिर मैं भाई मुझे कर सकूँ भाई मैं दावा भी कर दिन क्योंकि कैब तो रिवेक्ट पड़े फिर भाई आपको सरकार तरफप्रति भाई आपको सरकार बुझे रोसे सरकार बुझे आपू दिव पोखर गाँव है अर्क सरकार मैं प्रति गोचर मैं फिर तो कराएर मागे लड़े मैं लिया फिर थोड़ी होते हैं तो बुझ्पर्स तब
अब हाम्रो सरकार रहिरहेको म मन्त्री नभए पनि म कति भयो मन्त्री भन्दा म सिनियर मान्छे थिएँ मैले पढाएर चाहिँ छोडेर म अर्थमन्त्रीबाट पछि ल्याउनु भन्ने थियो मेरो चाहिँ दाउ थियो म तिन वर्षभित्र यहाँ चाहिँ लग्नुको धेरै यसरी समस्या समाधान गरिदिन्छु सबै सडकहरू पुरो गर्छु चार वर्षभित्र पाँच वर्षभित्र भन्ने मेरो इच्छा थियो सरकार त गइहाल्यो फेरि त्यस कारणले हामीले ताक्छ मुडो पञ्चायतले ताक्छ घुडो भनेर जस्तो भइरहेछ अहिले चाहिँ हामीलाई यो कुरो पनि तपाईँले बुझ्नुपर्छ तर तपाईँहरूको माननीय के छ भनेदेखि त्यो सबै कामको लागि कहिले कहिले चाहिँ जनताले चाहिँ त्यसरी बोलाउनुपर्छ भनेको मैले बोलाएर चाहिँ हामीलाई देखायो भने हाम्रो आँखाले देख्यो भने कहिले कहिले हामीले चाहिँ भुल्छौँ नि कहिले कहिले नदेखिरहेको छौँ बच्चाले पनि बच्चा चिया गरेर रह्यो भने मेरो आमालाई चाहिँ दुःख आउँछ ल नपस्यौँ भोरिया मेरो भन्छ हाम्रो चाहिँ मान्छेले पनि कराएर भने भन्यो भने कहिले कहिले हामी भुल्न सक्छौँ त्यस कारणले नेताहरू ल्याइरहनुपर्छ कराइरहनुपर्छ अनि कहिले उसले देखेर जान्छ यहाँको जनताको समस्या बुझेर जान्छ अनि त्यो उसले आफ्नो ठाउँ बुझेर उसले चाहिँ त्यो कामहरू समाधानको लागि प्रयत्न गर्ने कुरामा उसले ठ्याक्क चाहिँ सम्झन्छ।